तो फाइनली Redmi का Note 7 Pro हमें मिल चुका है, जिसे मैंने ऑर्डर किया था Flipkart की फर्स्ट फ्लैश सेल के थ्रू। दोस्तों ये वेरिएंट है 4GB 64GB और ये मैंने परचेज किया है 13,999 के प्राइस रेंज पर। तो जिन लोगों को लग रहा था कि वो जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था वो एक फेक वीडियो है और वो किसी तरह की लाइव बुकिंग नहीं है, तो फाइनली उनको आज अपना आंसर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसा है ये वेरिएंट, कैसा है इसका 48 मेगापिक्सल का कैमरा, क्योंकि इसके साथ साथ हम इसके कुछ कैमरा सैंपल्स भी क्लिक करने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों इसका जो एक और वेरिएंट आता है ब्लू वेरिएंट, उसका भी फर्स्ट लुक मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेल 20th को होने वाली है उसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, जो कि होगा रेड वेरिएंट। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुके उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही Redmi Note 7 की फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो जल्दी से रेड बटन को क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलती रहे। तो हे गाइस, मैं हूं महेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना। सो फाइनली यह है डिवाइस का बॉक्स जो मैंने ऑर्डर किया है 13 मार्च 2019 को। तो चलिए जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर इस नाइफ का यूज़ करने वाला हूँ, डायरेक्टली यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। तो चलिए जल्दी से बॉक्स ओपन करते हैं। ओ शिट, अभी तो ये पैकेजिंग भी कट करनी है। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी स्मूथ पैकेजिंग यहाँ पर दी गई है इस बॉक्स की। तो ये बॉक्स ओपन हो गया है। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले आपको मिलता है इसका इनवॉइस, जहाँ पर आप देख सकते हैं 13,999 में मैंने ये ऑर्डर किया है। ठीक है, तो सबको करते हैं साइड में। तो यह Redmi का Note 7 Pro काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ में आता है ये बबल रैपर्स के अंदर। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस बॉक्स के पीछे इसके स्पेसिफिकेशन, तो इस डिवाइस का सबसे मेन फीचर जो है वो है 48 मेगापिक्सल का ड्यूअल AI कैमरा, प्लस 5 मेगापिक्सल का इसमें डेप्थ कैमरा भी आपको दिया गया है। प्राइमरी सेंसर जो है इसमें यूज़ किया गया है सोनी का IMX586। इसके अलावा इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम का न्यूली चिपसेट जो है स्नैपड्रैगन 675, जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। 6.3 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले जो कि यूनोच के साथ में दिया गया है, और 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी भी आपको इसके साथ में दी गई है। और जैसे कि ये एक मेड इन इंडिया वेरिएंट है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि Xiaomi के डिवाइस अब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। यह है स्पेस ब्लैक 4GB 64GB वेरिएंट। पीछे बस इतना ही है। बॉक्स के फ्रंट साइड में आपको मिलता है Redmi Note 7 की ब्रांडिंग 48 मेगापिक्सल फीचर के साथ में, Xiaomi इंडिया और इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। तो फिर चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो मैं यूज करने वाला हूँ वही नाइफ। बॉक्स ओपन होने के बाद सबसे ऊपर आपको मिलता है एक बॉक्स, जिसमें मिलता है आपको एक सिम इजेक्टर टूल और कुछ पेपर वर्क्स हमेशा की तरह हम नहीं पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा आपको मिलता है एक सिलिकन का TPU केस, जो कि काफ़ी हद तक फ़ोन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये एक नॉर्मल केस है, तो आप चाहें तो मार्केट से एक न्यू अच्छा बैक कवर भी ले सकते हैं। ये सिम इजेक्टर टूल हमारे काम आने वाला है, तो मैं इसे यहाँ पर निकाल लेता हूँ। इसके अलावा बॉक्स में आपको मिलता है एक USB केबल, जो कि एक Type-C केबल है। और मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी है कि Xiaomi ने अपने न्यू सीरीज के साथ में आपको इस प्राइस पर Type-C केबल का सपोर्ट दिया है। इसके साथ ही आपको दिया गया है 5V 2A का एक चार्जर, जो कि एक नॉर्मल चार्जर है, बट ये जो डिवाइस है ये क्विक चार्ज 4.0 सपोर्ट करता है। तो आप MI स्टोर या फिर ऑनलाइन इस डिवाइस के लिए एक फास्ट चार्जर बाय कर सकते हैं, जिससे आप इस डिवाइस को बहुत ही फास्ट चार्ज कर पाएंगे। तो फाइनली अब डिवाइस का ओवरव्यू कर लेते हैं। तो भाई ये है Redmi Note 7 Pro, सिमिलर स्पेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए जल्दी से इन सभी को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। भाई लोग, जैसे ही आप यहां से स्टिकर रिमूव करते हैं, आप कुछ टाइम के लिए इस डिवाइस को मेरी तरह निहारने लगते हैं, क्योंकि सच में इस डिवाइस की जो ग्लास बैक फिनिशिंग है वो बहुत ही शानदार है और आपको एक प्रीमियम फील देती है। ओवरव्यू की बात करें तो हैंडसेट के ऊपर की तरफ आपको दिया गया है एक IR ब्लास्टर, 3.5 mm का ऑडियो जैक और एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक।
लेफ्ट साइड में आपको दिया गया है एक वॉल्यूम रॉकर बटन और उसके साथ एक पावर बटन। इसके बाद बात करें बॉटम साइड की तो आपको यहाँ पर मिलता है स्पीकर आउटपुट्स और चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। राइट साइड में आपको यहाँ पर दिया गया है सिम ट्रे, तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो आप यहां पर दो सिम कार्ड एक साथ यूज कर सकते हैं या फिर आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यहां पर एक साथ यूज कर पाएंगे। बात करते हैं इसके बैक साइड की, तो आपको यहां पर दिया गया है वर्टिकल शेप में डुअल कैमरा सेटअप, जिसके नीचे आपको 48 मेगापिक्सल की AI ब्रांडिंग दी गई है। सेंटर में दिया गया है फिंगरप्रिंट सेंसर और नीचे की तरफ आपको Redmi by Xiaomi की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो चलिए जल्दी से डिवाइस को ऑन कर लेते हैं। जब तक डिवाइस सेटअप होता है हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों Redmi Note 7 Pro में आपको मिलता है 6.3 इंचेज का फुल HD+ डिस्प्ले, जो कि एक यू नोच के साथ में आता है। Qualcomm Snapdragon 675 चिपसेट है, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और 2.2 GHz पर क्लॉक करता है। 4000 mAh की बैटरी आपको मिलती है। ये फ़ोन क्विक चार्ज 4.0 सपोर्ट करता है और टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। रेयर कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, जो सोनी के IMX सेंसर के साथ में आता है और इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट है। सेकेंडरी कैमरा एक डेप्थ सेंसर है, जो कि 5 मेगापिक्सल का है। फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। बैक और फ्रंट में आपको प्रोटेक्शन के लिए 2.5D के कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। एंड्रॉइड पाई आपको आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर मिलता है। 4GB, 64GB और 6GB, 128GB दो वेरिएंट में ये फोन आता है। इसके साथ आपको ब्लू, ब्लैक और रेड कलर वेरिएंट भी देखने को मिलते हैं। ये डिवाइस एक ब्लैक वेरिएंट है, क्योंकि ब्लैक मुझे काफी पसंद है। तो इसके अलावा इसका ब्लू वेरिएंट भी अवेलेबल था, जिसका फर्स्ट लुक आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों ही डिवाइस ग्लास बैक के साथ में काफी प्रीमियम फील देते हैं। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा कलर वेरिएंट ज़्यादा पसंद आता है, और इसके अलावा रेड वेरिएंट भी अवेलेबल होने वाला है, तो अब आप कौन सा कलर वेरिएंट बाय करना चाहेंगे। तो डिवाइस सेटअप हो चुका है, आप यहां पर फोन के साथ में जेस्चर का सपोर्ट भी देख सकते हैं। तो अगर बात करें डिस्प्ले क्वालिटी की, तो बहुत ही कमाल की डिस्प्ले क्वालिटी आपको इस डिवाइस के साथ में मिलती है। नीचे की तरफ आपको यहां पर डिवाइस में एक छोटा सा चिन्ह देखने को मिलता है। बहुत ही कम बेजल्स इस फोन के साथ में दिए गए हैं। तो ओवरऑल ये डिवाइस एकदम सिमिलर डिवाइस है Redmi Note 7 के। बस जो मेजर सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो मिलता है इसके कैमरा और प्रोसेसर को लेकर। दोस्तों अब बात करते हैं इस फोन के अबाउट सेक्शन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डिवाइस आता है एंड्रॉइड पाई OS के साथ में, जो कि एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन है। तो ये काफी अच्छी बात है कि इस फोन के साथ में आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल जाती है। MIUI 10 के कस्टम रोम का सपोर्ट भी आपको इसके साथ में दिया गया है, जिसे आप फ्यूचर में अपग्रेड कर पाएंगे MIUI 11 के अंदर। 2.2 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। 4GB रैम, 64GB स्टोरेज है, जिसमें आपको 51GB का स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी इनफ स्पेस है मेरे अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल एकदम धांसू डिवाइस है। दोस्तों अगर आपने गौर किया है तो इस फोन के बैक साइड में जो कैमरा बम्प है वो काफ़ी बाहर निकले हुए हैं, तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बैक कवर यूज़ करना होगा, क्योंकि ये जो सिलिकन कवर है ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है इन टर्म्स ऑफ कैमरा। तो चलिए अब हम इस डिवाइस का फिंगरप्रिंट सेंसर सेटअप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऐड कर दिया है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर से, और काफ़ी क्विकली अनलॉक हो रहा है डिवाइस। तो यह अच्छी बात है कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। अब बात करते हैं इसके फेस अनलॉक फीचर की, तो मैंने यहाँ पर फेस ऐड कर दिया है। तो अब देखते हैं ये कितने अच्छे से वर्क करता है। तो आप खुद देख सकते हैं काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्स आपको इसके साथ में डिवाइस को अनलॉक होने में। तो सिक्योरिटी पर्पज से ये काफ़ी अच्छा है। अब कुछ कैमरा सैंपल्स जो मैंने इस डिवाइस के साथ में कैप्चर किए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये क्विक सैंपल फोटोज है इस फोन के साथ में। इस फोन के कैमरे का डिटेल्स रिव्यू आपको बहुत ही जल्द देने वाला हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ओवरऑल देखा जाए तो नो डाउट इस प्राइस पर आपको इससे बेटर डिवाइस कोई भी अदर ब्रांड नहीं दे रहा है। स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट,
48 मेगापिक्सल का AI कैमरा जो कि सोनी IMX सेंसर के साथ में आता है और एक फ्लैगशिप सेंसर है, और बैक और फ्रंट में 2.5D के ग्लास जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ कैमरा, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है सिर्फ 14,000 के प्राइस रेंज पर। तो अगर आप इस फोन को बाय करने का सोच रहे हैं तो बिना किसी कंफ्यूजन के साथ आप इस फोन को खरीद सकते हैं। दोस्तों Redmi Note 7 Pro से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और Redmi Note 7 से जुड़ी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए और भी फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।